हम लोग आ गए अपने प्लेस पर, तो आज हम सीखेंगे एयर फ्लिप तो कैसे होती है, एंड तक बने रहना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कुछ कहे। तो गाइस आपके लिए एरियल फ्लिप्स करने के लिए बेसिक एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो गाइस आपके लिए कार्डव्हील सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्डव्हील से बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि राउंड अप हो गई, कार्डव्हील हो गई, उससे ही एयर होगी कंप्लीट आपकी, और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि एयर ट्विस्ट, और बहुत सी चीज़ें ऐसी कि आपके लिए कार्डव्हील सीखना समय बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे होगी ध्यान से देखना। सीखनी है वन हैंड की कार्डविल, और तो कैसे होगी, तो वो होगी कुछ इस तरह से। गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपको राइट हैंड का यूज़ करना है वन हैंड की कार्डविल में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा राइट हैंड का कितना यूज़ होता है, तो आज कुछ करने के लिए कुछ करना होगा तो समझ जाना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी के। तो गाइस आप सोच रहे हो बहुत ईजी है ये, लेकिन ईजी नहीं है। आप समझ गए होंगे किसका हाथ कहाँ पे यूज़ हुआ होता है, तो आज इस चीज़ में यूज़ होगा। तो कार्डव्हील में कैसे यूज़ होगा ध्यान से देखना। कार्डव्हील थोड़ा जंप के साथ करना है, और आपके लिए अपना राइट लेग का यूज़ करना है। तो आपको ये राइट लेग स्विंग करना ऊपर के लिए, और क्या तो होगा ध्यान से देखना। गाइस अब वो वक्त आ गया है आपके लिए एरियल सीखने के लिए। तो कैसे होगा, थोड़ा जंप लेना पड़ेगा उसके लिए, और स्पीड जो मैंने आपको बताया है ध्यान से देखना। कुछ इस तरह होगा, और थोड़ी पावर लो इस तरह। तो आपको ये एयर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल लाइफ टाइम फ्लिपर। तो ऐसी अमेजिंग आपको वीडियो मिलती रहेंगी।